हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। यूपी टेट 2018 क्रैक करके ही रहना है। ये एग्ज़ाम 4 नवंबर 2018 को होना था, जिसकी डेट अब चेंज होकर 18 नवंबर 2018 हो चुकी है। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है और भी चीज़ें रिवाइज करने का, न्यू क्वेश्चंस करने का, और मैं इतने क्वेश्चन आपको करा दूंगी कि श्योरिटी है अगर आपने इतने भी कर लिए तो आपको क्रैक करने से इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए हमारे वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाने से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा और आप हमारी अपलोडेड वीडियो को तुरंत ही देख पाएंगे। हमारी जो सीरीज़ चल रही है 2017 का, उसमें पेपर हो चुका है। अब मैं 2016 का पेपर करवा रही हूँ। वन वीक में ये भी कंप्लीट, वन वीक से पहले ही ये भी कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर 30 तक आपका ये पूरा पेपर्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने ये पेपर्स का सिलेबस भी कर दिया तो आप निश्चिंत रहिए, आपका 60% सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैं इसकी डिटेल्स भी आपको बता रही हूँ, तो डिटेल्स आप कर लेंगे तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरह की वीडियो आप देखते रहिए हमारे चैनल पे। अब मैं 2016 का पेपर आज से शुरू कर रही हूँ। तो आज हमारी वीडियोस को इसी तरह फॉलो करते रहिए और नई नई जानकारियाँ लेते रहिए। और यूपी टेट 2018 क्रैक करना इस बार ज़रूरी है आप सबके लिए। तो चलिए, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। तो आप लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा हुआ है, इसमें प्याजे का खास रोल होता है। तो प्याजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का विवरण दिया है। ये 4 अवस्थाओं के नाम मैं आपको बता देती हूँ। अब इन 4 अवस्थाओं में से 4 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और उसके अंदर डिटेल मैं आपको बता रही हूँ, इससे 8 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो आपके इस समय 1 क्वेश्चन से 8 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसमें पहली अवस्था है संवेदीय पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की होती है। सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक चलती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक का चिंतन अधिक अमूर्त, लचीला व तार्किक हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ऊर्ध्व अंतरण, क्षितिज अंतरण, द्विपार्श्वीय अंतरण, इनमें से कोई नहीं। तो जब मानव शरीर का एक स्वस्थ और क्रियाशील अंग निकालकर उसे किसी दूसरे क्षतिग्रस्त या खराब हुए अंग की जगह प्रत्यारोपित कर देते हैं तो इसे द्विपार्श्वीय अंतरण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 3। और मानव शरीर में द्विपार्श्विक अंतरण किस कौन कौन से अंगों में हो सकता है। तो यह है हृदय, गुर्दा, यकृत, फेफड़ा, अग्नाशय और आँखें। ये सब हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा समझने की वाली बात है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे डैश कहते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है आपका, इसे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर पुट किया हुआ है। ऑप्शन हमारे पास बहुलांक, मध्यमान, मध्यांक या मानक विचलन। तो जो सबसे बार अधिक बार प्रयोग में आता है उसे बहुलांक कहते हैं। बहु नाम से ही है, बहु माने बहुत ज़्यादा, तो बहुलांक बहुत ज़्यादा बार यूज आने वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पेवलॉक ने या स्किनर ने। तो क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। स्किनर ने, जो आपको थ्योरी याद होगी स्किनर वाली, जिसने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया था। तो मैं इसका डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। क्रिया प्रसूत का तात्पर्य उस कार्य से है जिसे प्राणी सीखते समय करता है, अर्थात सीखने के लिए प्राणी को वातावरण के प्रति क्रियाशील होना पड़ता है, उसे ही क्रिया प्रसूत अनुकूलन कहते हैं। चूहे का एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा स्किनर वाला। तो इसका आंसर है स्किनर, नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5,
तो एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांत के बीच सेतु का काम करता है, जिसमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, इनमें से किसने दिया था? बिने साइमन, स्टर्न, टर्मन या सिरिल बर्ट? तो बिने साइमन ने मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता को बताती है, उसकी एक क्षमता कितनी है बालक की, वो मानसिक आयु के टेस्ट से पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन से नियम से सीखा नहीं जाता? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम? तो सीखने के मुख्य 3 नियम होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तत्परता का नियम सीखने के नियमों के अंतर्गत आता है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो तत्परता, प्रभाव और अभ्यास, अगर ये तीनों होंगी तो सीखा जाना आसान हो जाएगा। और तनाव का नियम सीखने के नियमों के अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में पेवलोक ने प्रयोग किया, किस पर किया था पेवलोक ने? बिल्ली पर, कुत्ते पे, बंदर पर या चूहे पे? अगर आपको पेवलोक की थ्योरी याद होगी तो आपको याद होगा कि किस पर किया था, पेवलोक ने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। इनके जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसे शास्त्रीय अनुबंध या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जो इन्होंने 1904 में दिया था, 1904 में दिया था ये सिद्धांत। और इसको समझाने हेतु कुत्ते का प्रयोग किया था, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आने वाला एक्सपेरिमेंट था, वो आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पेवलोक ने या वुडवर्थ ने? तो सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। किसने? कोहलर ने। कोहलर एक गेस्टॉल्टवादी वैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख सकता है। कोहलर ने इस संबंध में भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। इस पे किसका यूज किया था? चिंपैंजी का, कोहलर ने। कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, इनमें से क्या? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण? तो ये होती है प्रेरणा। किसी भी काम को आरंभ करना, उसे लगातार जारी रखना और नियमित रखने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? प्रेरणा। अगर इंसान को प्रेरणा मिलती रहेगी तो वो ये कार्य निरंतर करता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विस्मृति को कम करने का उपाय है, इनमें से क्या? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। विस्मृति माने, मैं कॉमन लैंग्वेज में बता देती हूँ, विस्मृति का मतलब होता है कि भूलना। तो अगर भूलने को कम करना है तो हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, तभी ये हो पाएगा। विस्मृति एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु यदि उन बातों को वह पुनः दोहराता है या पुनरावृत्ति करता रहता है तो उसे वो स्मृति रहती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोध व भय प्रकार हैं अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या मूल प्रवृत्ति के? तो क्रोध, अभय, संवेग के प्रकार होते हैं। ये संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य, ये सब हमारे संवेग है। बच्चों में संवेग वातावरण, व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास होता है, जिससे वह प्रभावित होते हैं। मतलब किसी में ज़्यादा संवेग होता है, किसी में कम संवेग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग अनुकरण कहते हैं। अनुकरण माने किसी के व्यवहार की नकल करना। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति
को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। स्थानांतरण तीन प्रकार के होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक या शून्य स्थानांतरण। नकारात्मक, सकारात्मक या शून्य स्थानांतरण, तो इसमें आएगा सीखने का स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 15, सीखी हुई बातों को स्मरण रखने या पुनः स्मरण रखने की असफलता को क्या बोलते हैं? तो अगर हम कोई बातें सीखते हैं और उसे हम भूल जाते हैं तो उसे विस्मृति बोलते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि कोई चीज़ भूलना विस्मृति कहलाता है। ये एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती है, मतलब भूल जाते हैं। यह एक प्रकार की निष्क्रिय नकारात्मक क्रिया है। मनोवैज्ञानिक टी पी नन के अनुसार, मैं इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, सीखी हुई बात का स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक क्या माना जाता है? तो इसका सूत्र जो होता है वो मैं आपको पहले बता चुकी, एक बार और बता देती हूँ। बुद्धि लब्धि का सूत्र जो होता है वो होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई में 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर 90 से 100 की बुद्धि लब्धि है तो बालक को सामान्य बुद्धि का माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल का सिद्धांत निम्न में किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति का, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। तो इसमें जो हाल का सिद्धांत है वो किशोरों का मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत है, किशोरों का मनोविज्ञान। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का काल है, इसमें नई नई रुचियों का विकास होता है। 18, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था? कर्मेनियस, हॉल, हॉलिंगवर्थ और फ्रायड। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, जिसने मनोवैज्ञानिक विकास और जो मनोलैंगिक विकास, जिसको व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसकी 5 अवस्थाएं होती है, मुखावस्था जो 0 से 2 साल की होती है, गुदावस्था 2 से 3, शैशवावस्था 3 से 7, सुषुप्तावस्था 7 से 11 और जननांगी अवस्था 11 से किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था तक होती है। ये सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक विकास के स्तर थे, कौन कौन से स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्लू वुंड, सिगमंड फ्रायड, पैवलोक या वॉटसन। तो विलहम वुंड, ये जो कि डब्लू वुंड कहते हैं उन्हें, इसने मनोविज्ञान की प्राथमिक प्रयोगशाला को स्थापित किया था। ये जर्मन के प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला को इन्होंने स्थापित, जर्मन की ये प्रथम प्रयोगशाला थी जिसको 1879 में स्थापित किया था इन्होंने। गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? तो इसकी आधारशिला जर्मन के मैक्स वर्थीमर, ऑप्शन नंबर 2 ने रखी थी, और कब रखी थी? 1912 ईस्वी में रखी थी, गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला। इस सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक थे, उनके नाम है कर्ट कोफ्ता कोहलर, और सिद्धांत की मुख्य विचारधारा व्यवहार का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, संघनन सिद्धांत निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति या सृजनात्मकता। तो ये स्मृति से संबंधित सिद्धांत है, संघनन सिद्धांत। ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करता है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, गेस्टॉल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत में गेस्टॉल्टवादियों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापने हेतु किया जाता है? तो इसका मैं डिटेल बता दूं क्वेश्चन की,
1953 में प्रोफेसर सीएम भाटिया ने निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो इससे पता चल जाता है बुद्धि का परीक्षण होता है इसमें, जिसमें 5 बौद्धिक उप परीक्षण हैं। यह भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है, इसका पूरा नाम है भाटिया बैटरी का। क्वेश्चन नंबर 24, अभिक्रम आयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने या वॉटसन ने? तो इसका प्रत्यय जो दिया था वो स्किनर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? तो संज्ञान प्रतिदर्श बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो हम रख देते 8 वर्ष के सुधीर तो की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो मानसिक आयु 10 वर्ष उसकी ओरिजिनल 8 वर्ष है, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 125। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आपको इस तरह समझ में आ गया कि इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो आप किसे कैसे करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 27, तो जेम्स लैंग का सिद्धांत, जेम्स लैंग का सिद्धांत नंबर 1 ये विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग ने अपने लेख में बताया है कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलाव के कारण होते हैं। हमारे अगर शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं उसके अनुसार ही हमारे भावों में चेंज आते हैं, संवेगों में चेंज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला संवेगिक तनाव क्या कहलाता है? इनमें से द्वंद, कुंठा, चिंता या तनाव? तो इसका करेक्ट आंसर है कुंठा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29, कोलबर्ग सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा के विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से? तो इसका करेक्ट आंसर है नैतिक विकास से। कोलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं का साक्षात्कार किया तथा यह पाया कि ये अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं कोलबर्ग के अनुसार। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्यवहारिक क्षमता में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर हम कोई भी स्थायी परिवर्तन होता है हमारे व्यवहार में अभ्यास के दौरान तो उसे अधिगम कहते हैं, उसे सीखना कहते हैं। अधिगम को एक पर्यायवाची सीखना होता है। तो कोई भी सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास का परिणाम होता है अधिगम कहलाता है। तो यहीं पर ख़त्म होते हैं हमारे आज के सुपर 30। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप पे आ जाए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी ये सीरीज़ पूरी करूँ, आप लोगों को इतने क्वेश्चन दे दूँ कि आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस करके ना आएं और आप इस बार क्रैक करके ही आएं। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।